बहुत ज्यादा धुंध पड़ गई हुई है आज हर तरफ, बहुत ज्यादा धुंध है। गाँव में खड़ा हूँ इसलिए कम नजर आ रही है, क्योंकि जहाँ पर आबादी हो वहाँ पर कम नजर आती है, मगर आप वो आगे अगर देखेंगे ना तो बहुत ज्यादा धुंध है। मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ, धुंध बहुत ज्यादा धुंध पड़ गई है, हर तरफ धुंध ही धुंध है। यहाँ से आप अंदाजा करेंगे थोड़ी सी दूर भी बंदा नजर नहीं आ रहा, वो सामने बाइक नजर आ रही है, हल्की सी उसकी लाइट नजर आ रही है, इतनी ज्यादा धुंध है आज। मैंने जाना था आज अम्मी जान के साथ सियालकोट, तो उसका प्रोग्राम भी कैंसिल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह ताला की फजल करम और शुक्र के साथ कबला करते हैं स्टार्ट। और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें। मैं बस सुबह का शॉप पे था, तो मैंने कहा हर रोज़ क्या सुबह जी मैंने दुकान खोली है वहाँ से ब्लॉग शुरू करना, तो अभी थोड़ा बाहर निकला हूँ तो धुंध बहुत ज़्यादा है। जाना था सियालकोट सैटरडे अम्मी जान की मेडिसिन लेने में, अम्मी जान ने दूध देखी है, उन्होंने कहा कि मैंने नहीं जाना, मैंने कहा गाड़ी मंगवा लेते हैं, वो कहते हैं जी गाड़ी पे भी नहीं जाना, बहुत सर्दी है, मैं नहीं जाऊँगी, तो हमारा प्रोग्राम कैंसिल नहीं फिलहाल हो चुका है। तो मैंने तो जस्ट ये धुंध देखी है, मैं क्या फुल तो देख के आऊँ, और अभी धुंध पड़ रही है, अभी पड़ रही है धुंध, इसका मतलब है कि आज शाम तक रात तक चलेगी टिल, उतरने का कोई सीन नहीं है। अभी ये सारी इधर गाँव की तरफ देखो ना आप, ये सारी पड़ी है, पहले यहाँ पर धुंध नहीं थी, अभी यहाँ पर धुंध पड़ रही है, बहुत सर्दी हो चुकी है, हाथ इस तरह मतलब ठंडे हो चुके हैं ना। और सुबह से लाइट भी गायब है, सुबह 7 लें मैंने कहा लाइट गायब है और लाइट आ गई, सुबह की नहीं थी, सुबह 7 बजे की है, अभी आई है लाइट। तो नहाते हैं और नाश्ता करते हैं चल के, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है, फिलहाल फुल ठंड जा रही है। सर्दी बहुत हो गई है मगर ये बच्चे आराम नहीं करते, ये जो 2 बच्चे हैं ना मेरे, ये वाले 2 बच्चे ये भी आराम नहीं करते, और तीसरा ये हाजन साहब इधर बैठे हुए हैं, ये भी आराम नहीं करते, तो इनके लिए आग जला लिया ताकि ये अंदर बिस्तर में नहीं बैठेंगे, बाहर बैठना है, आग जला के बैठना है, बिस्तर में नहीं हम बैठ सकते। क्या होता है आपको क्या होता है आपको क्या होता है बिस्तर में क्या होता है आपको बिस्तर में जन्नत तो फिर क्यों नहीं बैठती बिस्तर में? काली छोड़ बैठती है। ये जो बिल्ली का बच्चा है ना, इसने कर दिया हमें तंग, बिल्लियां पहले भी हैं हमारे घर मगर वो तंग नहीं करती, ये करती है तंग, और इसको आज मैं पकड़ूंगा, बस पकड़ा गया समझ लें, ये जो इसके साथ सीन हो गया ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, फड़ी 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 फड़
40-42 दिन हुए मेरे बहनों की फोटो, किस वजह से हम ये नहीं करेंगे। तो ये केक हमने सरप्राइज़ के लिए लाया, ये 12 बजे हम निकालेंगे और काटेंगे। तो अभी इसको छिपा देना चाहिए, तो इसको छिपाने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेहतर जगह मुझे ये मिली है, क्योंकि ये जो है ना ये खोली नहीं जाती, इसलिए नहीं खोली जाती कि इसमें सारा मेरा ही सामान पड़ा है। तो इसलिए इसकी जब मुझे ज़रूरत पड़ती है चीज़ों की तो ये तभी खुलता है। तो ये हमने कर दिया बंद, ये सेव हो गया। तो अब रात के 12 बजे ये केक हम काटेंगे। बाकी खैर, तो मैंने वीडियो बनानी थी वहाँ पर, इसलिए नहीं बनाई क्योंकि रास्ते में माजरा शुमाली से लेना था मैंने अपनी भांजियों को। आज सैटरडे है तो उनको सुबह छुट्टी है, तो वो यहाँ पर ही अपना संडे गुजारते हैं, सेकंड टाइम कल वो चले जाएंगे वापस। और लाइट नहीं है, कल भी ले गए थे इस टाइम, आज भी चली गई है, तो लाइट नहीं है। तो आज की फिर वीडियो यहीं पर करते हैं खत्म। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।